सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज हमें देहरादून द सिटी ऑफ लव, जो राजधानी उत्तराखंड की, तो आज हम आपको लेकर के जाने वाले FRI द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके साथ साथ हम चलने वाले हैं झंडा साहिब। और हम इस वाले व्लॉग में गए तो बुद्ध टेंपल में भी थे देहरादून के, पर वो किसी वजह से बंद था तो वहाँ हम आपको दिखा नहीं पाए। तो पूरा व्लॉग देखना, काफ़ी अच्छा है। FRI में आप सभी को पता होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग भी हुई थी, तो बने रहना व्लॉग में। चलिए कराते हैं आपको देहरादून के दर्शन। FRI की एंट्री हमने ले ली है और अब जाकर देखने वाले अंदर। पीछे चुंगी है, वहाँ टैक्स वगैरह जो भी होता है चार्ज वगैरह वो दे दिया और अब अंदर चल रहे हैं अपन। यहाँ से 1 किलोमीटर सीधा चलना है FRI के लिए और सूचना वगैरह लगी हुई है। काफ़ी पेड़ है यहाँ, देख सकते हो चारों तरफ बड़े बड़े पेड़। FRI की पूरी बिल्डिंग है, तो हम अंदर तो एंट्री ले चुके हैं और पार्किंग वगैरह सब यही है चारों तरफ। थोड़ा अंदर आए, बाकी गार्डन बहुत प्यारा है, काफ़ी पेड़ है यहाँ पर। और ये वही बिल्डिंग है यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर उन जो फिल्म्स की शूटिंग हुई थी, तो ये वही सब है, देख लो। तो काफ़ी सही है, अभी आगे चलते देखते क्या क्या और देखने को मिलता है। ये अंदर से पूरी बिल्डिंग है, यहीं पे शूटिंग हुई थी आपको पता होगा। बाकी देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, देखते इसकी टिकट का क्या है। बाकी भाई देखो ये वही बिल्डिंग, काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है और भाई काफ़ी बड़ी है चारों तरफ से। अगर मैं दिखाऊँ तो गार्डन भी अच्छा है, बस घूम रहे देख रहे बिल्डिंग को। ठीक है, अच्छी है, वन टाइम विजिट है, एक बार आकर फोटो वगैरह खिंचा लो ताकि एक याद बनी रहे। इतना कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मल लगेगा आपको आकर, बट हाँ एक बार तो विजिट करना बनता है। अगर आप देहरादून हो तो ये जगह तो देखनी बनती है भाई, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। देखो ये देखो दूर दूर तक बहुत बड़ा वो है और ये वो बिल्डिंग्स है। यहाँ पर देखो कितना बड़ा गार्डन है, पर अभी धूप है तो गार्डन में जाने का तो मन है नहीं। और बाकी ऐसे म्यूज़ियम है, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। बाकी म्यूज़ियम का अलग से टिकट आपको लेना पड़ता है, उसका कॉस्ट 40 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो ले लो भाई एक बार आओ तो देख लो भाई। यहीं शूटिंग हुई थी तो देख लो भाई लोकेशन में, जो पीछे में वो वाइट बड़े वाले पिलर, मैं थोड़ा नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ। वैसे मन तो नहीं हो रहा था भाई, बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ा सा आगे मैं चल लेता हूँ एक बार आप सबको दिखाने के लिए। ठीक है, तो भाई ये पीछे वो लोकेशन आपको दिख रही होगी पूरी, यही लोकेशन है और देख लो, और ये पूरा गार्डन और ये वो लोकेशन गाइस, वाह अमेजिंग। उधर भी है और भाई चारों तरफ देख लो आप, और कुछ उधर भी है, ये पूरा मेन वाला जो ये है काफ़ी बड़ा है भाई। तो ठीक है चलो चलते हैं अब थोड़ा, एक अभी 4 म्यूज़ियम और है लाइन से, उनको भी देखना है। ये बढ़िया लग रही है जगह, पेड़ उगा रखे आर्टिफिशियल। ये वो मेन जगह भाई देख लो पीछे में, सही है भाई अभी भी चल रहे हम तो। बुद्धा टेंपल आए भाई, आज पूरा बंद ही है, ये दरवाजा भी बंद है, ये एंट्री भी बंद है, तो हम अंदर जा ही नहीं पा रहे, आज पूरा ही बंद है, पता नहीं क्यों, कोई कारण होगा। चलो तो भाई अभी हमें झंडा साहिब में, और इधर सेम गार्डन है, काफी सही है। तो चलिए मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। वर्ष 1675 में चैत्र कृष्ण पंचमी के दिन गुरु राम राय महाराज के कदम दून की धरती पर पड़े थे। उनकी प्रतिष्ठा में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, उसी से झंडे मेले की शुरुआत हुई जो कालांतर में दून घाटी का वार्षिक समारोह बन गया। और 1975 में पड़ी थी चूल्हे की नींव। चूल्हे की नींव से तात्पर्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो देहरादून के अंदर में ये समारोह मनाया जाता था तो वहाँ पर बहुत से भक्तगण आते थे और वहाँ पर वो एक छोटा सा गांव हुआ करता था,
तो वहाँ पर इतनी खाने की सुविधा नहीं हो पाती थी। तब से इस जगह ऐसा माना जाता है कि चूल्हा, चूल्हे की नींव पड़ी, चूल्हा जलना स्टार्ट हुआ, लंगर मिलना सभी को प्रारंभ हुआ। तब से लेके आज तक माना जाता है कि उस चूल्हे की आग ठंडी नहीं पड़ी। कभी भी कोई भी यहाँ दरबार में आता है तो उसको भूखा नहीं जाने दिया जाता, आराम से उनको भोजन वगैरह कराकर भेजा जाता है। तो ये झंडा साहिब है और काफ़ी प्रसिद्ध, आप यहाँ पर इसके दृश्य देख ही सकते हैं। चारों तरफ से अद्भुत कलाकृति से ये बना हुआ देहरादून के बीच पल्टन बाजार में स्थित है। और यहाँ पर जैसे ही ये जो गुरुद्वारा है इसके जस्ट बाहर में बड़ा सा झंडा आपको देखने को मिलेगा। सातवें गुरु हर राय महाराज के ज्येष्ठ पुत्र राम राय ने इसी स्थान पर झंडा चढ़ाया था। तो ये वही झंडा है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छा है। और ये पल्टन बाजार में स्थित है, मेन बाजार के अंदर है। तो मैंने आपको दिखा दिया झंडा साहेब देहरादून। तो ये है पल्टन बाजार जो कि फेमस है, यहाँ हर तरह की चीज़ें मिल जाएगी अगर आपको कुछ भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो। पूरी दुकान है, काफ़ी अच्छा मार्केट है ये तो जाना जाता है। ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है खुद अपने आप में ही पल्टन बाजार, क्या आप ना पढ़ सकते हो पर एड्रेस में पल्टन बाजार। बाकी देख लो यार चारों तरफ। पूरी दुकानें हैं लाइन से। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा देहरादून की जर्नी। यहाँ पर सब कुछ हमने घूम लिया। और आपने अगर देहरादून के व्लॉग्स चेक नहीं करे तो आई बटन चेक कर लेना। ऑलरेडी गुच्चू पानी जिसको रोबर्स केव कहते हैं उसका व्लॉग अपलोडेड है। सहस्त्र धारा हम गए थे उसका व्लॉग अपलोडेड है। टपकेश्वर महादेव का व्लॉग अपलोडेड है। और बाकी आज इस वाले वीडियो में हमने पूरा पल्टन बाजार, FRI और जो बचा हुआ हमारा था टूरिस्ट प्लेस उनको भी कवर कर लिया। और हम निकल गए मसूरी के लिए। तो अगले व्लॉग्स आपको देखने को मिलने वाले हैं मसूरी के। तो बने रहना इसी जर्नी के साथ, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।